हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सबको। गुड इवनिंग नहीं, अभी तो नाइट हो चुका है, गुड नाइट बोलने का टाइम हो गया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल मैं वीडियो ठीक से एडिट नहीं कर पाया था कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। तो आज मैं उसको ओवरकम कर पाया, अभी तो एडिट करके ही मैं अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा चैनल पे 102 सब्सक्राइबर गेन हो गया और मेरा चैनल 1 ईयर तक पुराना है, ठीक है। तो हम अभी कुछ सेटिंग्स करने के बाद हमारा कस्टम लिंक, यानी जैसे सोचिए मेरे चैनल का लिंक क्या या आपका चैनल का जो लिंक है, तो वहाँ पे youtube.com/channel/UCZB बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करने में या उसको कॉपी करने में, ठीक है। तो अभी हम हमारा चैनल पे कस्टम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे सोचिए youtube.com/c/ मेरा जो चैनल का नेम है, ये अगर आप URL पे जाके टाइप करेंगे तो एकदम सीधा रिडायरेक्ट हमारा चैनल पे लेकर आ जाएगा। तो ये मैं कैसे करूँगा वही आपको मैं सिखाऊंगा, कैसा करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं। एक मिनट, अभी टेक्निकल गुरुजी को मैं फॉलो करता हूँ, तो वहाँ से मुझे जानकारी मिल पाया है कि टिकटॉक बैन हो चुका। मतलब जो टिकटॉकर्स हेटर है मेरे तरह, ठीक है, तो उसके लिए एक खुशखबरी है। कुछ ही दिन पहले टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूब एक वायर हुआ था, मतलब छोटा मोटा वायर नहीं कहूँगा, एक झमेला हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा बातचीत हुआ, तो अभी वहाँ पे रेटिंग एकदम 1.3 या 1.5 समथिंग हो गया था गूगल प्ले स्टोर पे टिकटॉक का। तो टिकटॉक बैन हो चुका, टिकटॉक के साथ और भी 59 ऐप्स बंद हो चुका। तो एक छोटा सा न्यूज़ मुझे टेक्निकल गुरुजी चैनल पे मिला है, मैं आपको शेयर किया। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि कैसे कस्टम लिंक क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है, मतलब यूट्यूब खोल लेना है। उसके बाद खोलने के बाद ऊपर साइड में, मतलब राइट साइड के ऊपर में आपका जो चैनल है वो दिख जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और चले जाना है योर चैनल पे, ठीक है। देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है, तो होने देते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। दोस्तों देखिए खुल गया, तो वहाँ पे जाके आपको चले जाना है कस्टमाइज चैनल पे। देखिए ऊपर में एक बटन है ब्लू कलर का, थोड़ा सा राइट साइड में। वहां पे जाने के बाद फिर से आपको ऊपर में चले जाना है, मतलब राइट साइड में ऊपर में आपका चैनल का लोगो दिख जाएगा। वहां पे आके आपको जहां पे कर्सर है वहां पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे, वहां पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स पे, एकदम लेफ्ट में नीचे पर है। तो जाने के बाद वहां पे देखिए आपको जहाँ पे मैं कर्सर ले जाऊंगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि URL, मतलब कस्टम URL आपका ऑन हो गया, क्लेम इट हेयर। तो वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका चैनल का नेम ही youtube.com/c/ के बाद रखना चाहते हैं या और। देखिए यहाँ पे एक URL दे चुका है, तो मैं आपका कस्टम भी आपको बता दूंगा, मतलब आप आपका चैनल के बाद कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स आप ऐड करना चाहते हैं, सॉरी सफिक्स होगा, ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्लैश नहीं देना है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर डॉट स्लैश कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है। वहाँ पे जाके आपको चेंज कर देना है, तो वही हो जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरा चैनल का नेम ही रहने देना है। तो वहाँ पे जाके चेंज URL पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
देखिए टिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि टिक करने के लिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स होगा, वहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद चैनल चेंज यूआरएल पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कॉन्फर्मेशन के लिए एक छोटा सा कॉन्फर्मेशन देना पड़ता है। तो देखिए फिर से मैं मेरा चैनल का जो डैशबोर्ड है, मतलब मेरा जो क्रिएटर चैनल है, वहाँ पे आ गया। मैं आपको प्रूफ दूंगा, एक नया सा टैब ओपन कर लिया और यूट्यूब को ओपन कर लिया है। देखिए मेरा तो चैनल का जो लिंक है वो मैं अब टाइप करूंगा, एकदम छोटा सा लिंक है। देखिए स्लैश दिया, उसके बाद सी दिया, उसके बाद मेरा चैनल का जो नेम है एकदम वही विदाउट स्पेस मैं टाइप कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं कि जा पाते हैं मेरा चैनल पे या नहीं। आपको याद रखना है कि आपका चैनल एक महीने का पुराना और 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो देखिए मेरा चैनल पे आ गया है, मतलब एक छोटा सा कस्टम लिंक हमारा क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना, और जो भी कुछ भी क्वेरी होगा या आप ऐसा मतलब मैंने जो किया आप नहीं कर पाते तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखना। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही था। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।